बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इनको बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं दी स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज तो स्टोरेज डिवाइसेस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज भी कहते हैं ये किस लिए इस्तेमाल होती यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली बहुत ज्यादा मिकदार में डाटा को और प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसिस यूज होती हैं कैटेगरीज कौन सी हैं स्टोरेज डिवाइस की मैग्नेटिक टेप है मैग्नेटिक डिस्क है मैग्नेटिक डिस्क में हम फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को स्पेशली डिस्कस करेंगे और ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क में हम सी और डीवीडी को डिस्कस करेंगे तो थ्री मेजर कैटेगरीज हैं स्टोरेज डिवाइसेस की मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क मैग्नेटिक टेप ये एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक टेप होती है खास किस्म की एक प्लास्टिक होती है जिसका नाम है माइलर और खास उस प्लास्टिक को हम किससे मैग्नेटिक मटेरियल से कोट कर देते यानी एक खास किस्म की प्लास्टिक की एक टेप टेप कहते हैं पट्टी को ये आपको यहां तस्वीर में नजर भी आ रहा होगा जैसे ऑडियो केसेट है या वीडियो केसेट है उसमें एक प्लास्टिक की एक रील सी होती है एक पट्टी सी होती है ये अलादस्त नीचे नजर आ रही है ये खास किस्म की प्लास्टिक से बनाई जाती है उस प्लास्टिक को कहते हैं माइलर उसके ऊपर खास किस्म का मैग्नेटिक मटेरियल निकल कोबाल्ट या फेरिस ऑक्साइड इसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं कोट कर देते हैं यह लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है इसके ऊपर कितना डाटा स्टोर हो किया जा सकता है डिपेंड करता है कि इस टेप की इस पट्टी की लेंथ कितनी है जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होती है उतना ज्यादा इसके ऊपर डाटा स्टोर होता है दूसरा डिपेंड करता है मैग्नेटिक मटेरियल जो इस टेप के ऊपर इस पट्टी के ऊपर पॉलिश किया जाता है उस मैग्नेटिक मटेरियल की डेंसिटी पर तो इसपे कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है तो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल एंड द लेंथ ऑफ द टेप डेटा स्टोर सिक्वेंशली ये वाहिद ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसके ऊपर डाटा सीक्वेंशली तरतीब के साथ स्टोर होता है अगर आपने दसवें रिकॉर्ड को दस रिकॉर्ड आपने स्टोर कराई है जिस तरतीब से आप डेटा इसके ऊपर स्टोर करते हैं उसी तरतीब से आप इस पे से डाटा को रीड कर सकते हैं जैसे ऑडियो केसेट ऑडियो केसेट में अगर आपने पांच सॉन्ग फर्ज कर ले के एक साइड पे पांच सॉन्ग्स के ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं वो सॉन्ग्स क्या है हमारे पास डाटा है और वो जो ऑडियो ये तस्वीर में दिखाया भी गया है ऑडियो केसिट का एक एक तस्वीर यहां पर इसमें जो रील होती है वो मैग्नेटिक टेप है अगर इसके ऊपर पांच सॉन्ग्स हैं अगर आप पहले सॉन्ग्स को प्ले करेंगे उसके बाद जब वो ऑटोमेटिकली उसके बाद दूसरा सॉन्ग प्ले होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली तीसरा सॉन्ग प्ले होगा यानी अगर आपने पांचवें रिकॉर्ड पर जाना है तो पहले चार रिकॉर्ड को एक्सेस करके पांचवें रिकॉर्ड पर जाना जाना पड़ेगा तो मैग्नेटिक टेप वाहिद वाहिद एक ऐसी टेप है ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसके ऊपर डाटा सिक्वेंशली स्टोर होता है तरतीब के साथ स्टोर है बाकी जितनी भी डिवाइसिस हैं चाहे वो ऑप्टिकल डिस्क है चाहे वो मैग्नेटिक डिस्क है हार्ड डिस्क है फ्लॉपी डिस्क है सीडी है सब पर डाटा रैंडमली बेतरतीब स्टोर होता है मैग्नेटिक टेप पर सिक्वेंशली डाटा स्टोर होता है ये बहुत सस्ती बहुत चीप और इकोनॉमिकल होती है इसमें रीडिंग राइटिंग ऑफ डाटा जो है वो वेरी स्लो होता है ये आजकल इसको इस्तेमाल नहीं करते पास्ट में माजी में इसको यूज किया जाता था कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए आजकल ये बिल्कुल खत्म हो गई है आजकल इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में खास तौर पर नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक डिस्क एक पतली सी सर्कुलर गोल मेटल की या प्लास्टिक की बनी हुई प्लेट होती है जैसे यहां तस्वीर में दिखाया गया एक ये मैग्नेटिक डिस्क है तो एक सर्कुलर डिस्क कहते हैं प्लेट को और ये मेटल की भी बनी हार्ड डिस्क में ये डिस्क जो है ये प्लेट मेटल की बनी होती है और फ्लॉपी डिस्क में ये प्लेट प्लास्टिक की बनी होती है और ये पतली सी एक गोल प्लास्टिक की या मेटल की बनी हुई प्लेट होती है इसके ऊपर कौन सा मटेरियल पॉलिश कर देते हैं इस प्लेट के ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल पॉलिश किया जाता है डाटा को स्टोर करने से पहले अच्छा यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली यह किस लिए इस्तेमाल होती है डाटा को परमानेंटली बहुत ज्यादा मिकदार में डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है डिस्क को इस डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है डाटा को स्टोर करने से पहले तो डाटा जब फॉर्मेट करते हैं फॉर्मेटिंग का प्रोसेस होता है उससे क्या होता है इन फॉर्मेटिंग प्रोसेस ट्रैक एंड सेक्टर्स आर क्रिएटेड ऑन द डिस्क डिस्क ये जो सर्कुलर पाथ है यहां ये सर्कुलर पूरा पाथ ये ट्रैक है हमारे पास ये दूसरा सर्कुलर पाथ जो है ये दूसरा ट्रैक है ये तीसरा सर्कुलर जो पाथ है यहां पर ये चौथा ट्रैक है पांचवा ट्रैक बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं जैसे यहां पर दिखाया गया इस ट्रैक के अंदर ये जो पोर्शन है ये सेक्टर है हमारे पास ये एक हिस्सा जो है इतना हिस्सा ये एक सेक्टर है ये इसी तरह जैसे यहाँ नीचे तस्वीर में आप देखेंगे ये जो येलो कलर का पीले रंग का पोर्शन है ये सेक्टर है और ये पूरा सर्कुलर पाथ जो है ये ट्रैक है तो एक सेक्टर के अंदर आमतौर पर 512 बाइट डेटा स्टोर होता है आमतौर पर लेकिन ये डिपेंड करता है हार्ड डिस्क के या मैग्नेटिक डिस्क के साइज पर कैपेसिटी पर मॉडल पर कंपनी पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं आमतौर पर फाइव जो फ्लॉपी डिस्क का एक सेक्टर होता है तो उसमें पांच 512 बाइट डाटा स्टोर होता है ये बहुत सारे सेक्टर्स मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं बहुत सारे सेक्टर्स मिलकर एक क्लस्टर भी बनाते हैं ईच सेक्टर कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा खास किस्म का एक खास मिकदार में डाटा स्टोर होता है मोस्ट वाज़ली यूज स्टोरेज मीडिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टोरेज मीडिया है मैग्नेटिक डिस्क के आगे टाइप्स हैं फ्लॉपी डिस्क है हार्ड डिस्क है जिप डिस्क है सुपर डिस्क है, है इस तरह की वो सारी हैं। लेकिन हम ज्यादातर जो इस्तेमाल होती हैं, वो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आजकल तो ज्यादातर हार्ड डिस्क ही इस्तेमाल होती है फ्लॉपी डिस्क भी एब्सोल्यूट हो चुकी है तो ये हमारे पास एक फ्लॉपी डिस्क है ये हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर दिखाएगी आपको और यह असल में मैग्नेटिक डिस्क है इस तरह की गोल प्लेट यह गोल प्लेट है मैग्नेटिक डिस्क हार्ड डिस्क के अंदर भी होती है यह मैग्नेटिक डिस्क फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी होती है फ्लॉपी डिस्क के अंदर मैग्नेटिक डिस्क प्लास्टिक की बनी होती है और हार्ड डिस्क के अंदर यह मैग्नेटिक डिस्क मेटल की बनी होती है फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट भी कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ थीन ये पतली सी सर्कुलर गोल प्लास्टिक डिस्क होती है जैसे यहां पर दिखाया गया और ये कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल मटेरियल मैग्नेटिक से इसको कोट कर दिया जाता है इसके ऊपर पॉलिश कर दिया जाता है ये एक प्लास्टिक की जैकेट के अंदर बंद होती है ये जो डिस्क है ये तस्वीर में दिखाई ये डिस्क जो है ये इस प्लास्टिक की ये जो बाहर का कवर है ये इस बाहर के प्लास्टिक के कवर को जैकेट कहते हैं तो ये प्लास्टिक के कवर में होती है। जो है वो बंद होती है ये प्लास्टिक जैकेट किस लिए करते हैं इस डिस्क को बचाती है डस्ट से मॉइस्चर से और इसके खराब होने से क्रैश होने से डैमेज होने से बचाती है फ्लॉपी डिस्क को आईबीएम ने इंटरनेशनल बिजनेस बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने 1970 में आईबीएम ने, 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 ने 1970 में इंट्रोड्यूस करवाया था ये पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है पोर्टेबल से मुराद क्या है कि डाटा को डिस्क पर कॉपी करते हैं फिर उसको कंप्यूटर से निकालकर किसी दूसरे कंप्यूटर में इजीली आप इसे ले जा सकते हैं पोर्टेबल मींस इट कैन बी ट्रांसफर इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस फ्लॉपी डिस्क ये स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है फ्लॉपी डिस्क की वो वन पॉइंट फोर फोर एम बी होती है डाटा एक्सेस स्पीड इज स्लो जिसकी डाटा एक्सेस करने की रीड राइट करने की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है फ्लॉपी डिस्क नॉर्मली दो साइज में अवेलेबल होती है एक होती है मिनी फ्लॉपी उसका साइज होता है 5.25 और माइक्रो फ्लॉपी उसका साइज जो होता है 3.5 पॉइंट फाइव इंच होता है आजकल ये फ्लॉपी डिस्क भी इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि ये इतना ज्यादा रिलायबल मीडिया नहीं था यह बहुत जल्दी जो है वो खराब हो जाती थी इसलिए इसको आजकल इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क इज आल्सो कॉल्ड फिक्स डिस्क फिक्स डिस्क क्यों कहते हैं इसको बिकॉज इट इज फिक्स्ड इन द सिस्टम यूनिट ये एक सिस्टम यूनिट के अंदर इसको फिक्स कर दिया जाता है इसको बार बार निकाला या एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता तो आमतौर पर यह सिस्टम यूनिट के अंदर केसिंग के अंदर फिक्स होती है इट कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर सर्कुलर मेटल प्लेट इसके आज पहले जो पुरानी हार्ड डिस्क होती थी उसके अंदर बहुत छह से सात प्लेट्स होती थी उन प्लेट्स को हम प्लेटर्स भी कहते थे आजकल जो हार्ड डिस्क है ये तो तस्वीर में भी नजर आ रहा होगा आपको आजकल जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्लेट होती है दीज प्लेटर्स आर कोटेड विद द मैग्नेटिक मटीरियल इट कंटेन्स मोटर इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर एक छोटी सी मोटर होती है टू रोटेट द प्लेट जो इस प्लेट्स को या इस एक प्लेट को रोटेट करवाती है घुमाती है इट ऑल्सो कंटेन एन एक्सेस आर्म ये देखें इसके अंदर ये यहां पर इसको दिखाया गया आर्किटेक्चर इसका ये एक एक्सेस आर्म होता है एंड रीड राइट टू रीड राइट होता है टू रीड एंड राइट द डाटा ऑन द डिस्क ताकि डिस्क पर डाटा को रीड या राइट कर सके टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली हार्ड डिस्क वो पुर्जा है वो स्टोरेज है डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और प्रोग्राम्स को परमानेंटली तौर पर स्टोर करता है तो डियर स्टूडेंट्स हर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है वो लाजमी होती है आपकी जो विंडोज है आपका और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और भी है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम है एक्सेल का प्रोग्राम है वीएलसी का प्लेयर का प्रोग्राम है गूगल क्रोम का प्रोग्राम है जी यानी जितने भी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे के सारे कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं ये हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होते हैं इसके अलावा जितना भी डाटा है डाटा क्या है सॉन्ग्स हैं मूवीज हैं इमेज हैं नोट्स हैं वर्ड की फाइल्स हैं एक्सेल्स की फाइल्स हैं किसी भी किस्म का आपके पास डाटा है ये सारा डाटा भी किसके अंदर स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है तो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है ये फिफ्टी जी सिक्सटी जी बी भी है वन ट्वेंटी जी बी टू हंड्रेड जी बी फाइव हंड्रेड जी बी वन टेराबाइट इस तरह की नॉर्मली जो हार्ड डिस्क है वो मार्केट में अवेलेबल है और ज्यादातर ये डेस्कटॉप इसी में यूज की जाती है और लैपटॉप में यूज की जाती है डेटा को स्टोर करने तो हर कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को और डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है फैक्टर अफेक्टिंग द हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस है उसको कौन से फैक्टर जो है वो उस पर असरअंदाज होते हैं सीक टाइम सीक टाइम क्या इट इज ए टाइम रिक्वायर्ड बाईट द रीट राइट ये वो टाइम है जो जरूरत पड़ता है रीड राइट हेड को टू तो रीच द लोकेशन ऑन द डिस्कसूस सही जगह पर पहुंचने के लिए ऑन द डिस्क डिस्क पर इट इज ऑल्सो कॉल पोजिशनिंग परफॉर्मेंस ये पोजिशनिंग परफॉर्मेंस भी कहलाता है स्पिंडल स्पीड इट इज अ स्पीड एट विच द ड्राइव ट्रांसफर डेटा ये वो स्पीड है कि जिसमें ड्राइव डेटा को ट्रांसफर करती है आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर परफॉर्मेंस इट इज मेजर्ड इन रोटेशंस पर मिनट या rpm लेटेंसी लेटेंसी क्या है इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्पिनिंग प्लेटर ये घूमने वाले प्लेटर्स जो है वो जो टाइम उनको रिक्वायर होता है टू ब्रिंग द डिजायर्ड डेटा मतलब वो को लाने के लिए टू द रीड राइट हेड रीड राइट हेड पर वो लेटेंसी कहलाता है इट इज मेयर्ड इन मिली सेकेंड। इसे मिली सेकेंड से नापा जाता है अब आ जाता है ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल का लाभ निकला है रोशनी से और डिस्क कहते हैं प्लेट को फिजिक्स की ब्रांच है ऑप्टिक्स जिसमें लाइट एंड लॉज ऑफ लाइट को डिस्कस किया जाता है तो ऑप्टिक्स से लफ्ज निकला ड्राइव किया गया ऑप्टिकल ऑप्टिकल मींस रोशनी लेजर लाइट ऑप्टिकल यूजेस डिस्क द लेजर टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल डिस्क इस लेजर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है टू रीड एंड राइट द को रीड और राइट करने के लिए लेजर फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर बीम राइट द डाटा लेजर बीम की मदद से डाटा को राइट कराया जाता है और ये लेजर बीम क्या करती है इस डिस्क के ऊपर छोटे छोटे होल्स बनाती है उन होल्स को क्या कहते हैं पिट्स कहते हैं कहां पर बनाती है डिस्क की सरफेस पर डिस्क कहते हैं गोल प्लेट को प्रेजेंस ऑफ पिट इंडिकेट द वन पिट्स की जो प्रेजेंस है वो जाहिर करती है वन को एंड एबसेंस ऑफ पिट और पिट की जो एबसेंस है वो जाहिर करती है जीरो को याद रखिएगा ये बिट नहीं है ये पिट है और पिट एक होल होता है जब लेजर लाइट की मदद से डाटा इसके ऊपर राइट कराया जाता है तो ये लेजर लाइट पिट्स क्रिएट कर रही होती है कैटेगरीज ऑफ ऑप्टिकल डिस्क दो हैं कंपैक्ट डिस्क जो सीडी भी कहलाती है डिजिटल वीडियो डिस्क 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 डीवीडी ये दोनों ऑप्टिकल है है स्टोरेज कैपेसिटी जो इसकी 650 सात सौ एम बी आमतौर पर एक सीडी की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है सीडी ड्राइव सीडी ड्राइव वो पुर्जा है जो इस्तेमाल होता है डाटा को रीड करने के लिए फ्रॉम द सीडी याद रखें यहां पर एक कंफ्यूजन होती है आमतौर पर जो एक मिसकंसेप्शन है हम सीडी ड्राइव की जगह सीडी रोम बोलते हैं सीडी रोम सीडी को ही कहते हैं जिस डिवाइस के अंदर सीडी को लगाकर इंसर्ट करके डाला डालकर चलाया जाता है उस डिवाइस को सीडी रोम नहीं कहते सीडी ड्राइव कहते हैं तो सीडी ड्राइव इज यूज टू रीड एंड रीड द डाटा फ्रॉम द सीडी सीडी रोम सीडी ही होती है CD को चलाने वाला पुर्जा सी ड्राइव कहलाता है एक और पुर्जा होता है सी डी राइटर सीडी राइटर डाटा को राइट किया जाता है CD ड्राइव से डाटा को रीड करते हैं सी डी राइटर से ये दो अलग अलग पुर्जे हैं। इनकी मदद से डाटा को राइट किया जाता है खाली सी पर ब्लैंक सी पर सुपर ड्राइव एक ऐसा पुर्जा है ऐसे डिवाइस है जिसकी मदद से सीडी के ऊपर डाटा को राइट भी कराया जा सकता है और रीड भी कराया जाए आमतौर पर लैपटॉप्स में सुपर ड्राइव लगवाई जाती है या लगी होती है आमतौर पर तो सुपर ड्राइव एक वो वाला डिवाइस है हमारे पास ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से डाटा सीडी पर रीड भी कर सकते हैं उसकी मदद से राइट भी कर सकते हैं ब्लैंक सीडी के ऊपर डाटा स्टोर करा सकते हैं टाइप्स ऑफ सीडी सीडी नो सीडी को को याद रखना सीडी रोम कहते हैं स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस रीड ओनली मेमोरी डाटा स्टोर्ड ऑन सी डी रोम कैन ओनली बी रेड सिर्फ उनको रीड किया, तो किया जा सकता है बट कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज लाइक ना तो उनको डिलीट किया जा सकता है और ना ही उनको चेंज किया जा सकता है सीडीआर सी डी रिकॉर्डेबल स्टैंड फॉर कंपैक्ट रिकॉर्डेबल आर से बनता है रिकॉर्डेबल यूजर कैन राइट डेटा ऑन दीडीआर ओनली वंस यूजर सिर्फ एक ही दफा डाटा सी डी आर के ऊपर जो ब्लैंक सी डी है उसके ऊपर डाटा एक ही दफा राइट करता है उसके बाद रीड कर सकते हैं मैनी टाइम्स सी डी आर इज ऑल्सो नोन एज वन सी डी आर वन भी कहलाता है वन किस चीज का ब्रिवेशन है राइट वंस रीड मैम मैनी तो सीडीआर के ऊपर जो ब्लैंक सी लेकर सी राइटर की मदद से या सुपर ड्राइव की मदद से उसके ऊपर एक ही दफा डाटा को राइट करा दिया जब एक दफा डाटा राइट हो जाता है उसके बाद उसको आप ना तो डिलीट कर सकते हैं ना ही चेंज कर सकते हैं लेकिन शुरू में वो सी ब्लैंक होती है सी डी आर डब्ल्यू सी डी री राइटेबल स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल इट इज ऑल्सो नोन एज इरेजेबल सी डी ये इरेजेबल सी डी भी कहलाती है द यूजर कैन राइट डाटा ऑन द सी डी आर मैनी टाइम्स बाई इरेजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा डिजिटल वीडियो डिस्क एंड ब्लू रे डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी जो डीवीडी की होती है वो एक जीबी से लेकर सत्रह जी बी बीस जी बी या इससे भी ज्यादा आमतौर पर हो सकती है सिमिलर टू सी डी बट बेटर इन क्वालिटी एक्सपेंसिव होती है डीवीडी एक्सपेंसिव होती है सीडी से यूज लेजर बीम ये भी लेजर बीम को इस्तेमाल करती है विदर वेव लेंथ वो लेजर बीम जिनकी वेव लेंथ जो है वो छोटी होती है उस शार्टर वेव होने की वजह से ये क्या करते हैं छोटे चो, छोटे पिट्स हैं जो होल्स हैं डिस्क पर उन्हें भी रीड कर सकती है डीवीडी ड्राइव इज यूज टू देखें डीवीडी सीडी ड्राइव सीडी ड्राइव अलग-अलग से होती है और डीवीडी ड्राइव अलग से डीवीडी ड्राइव इज यूज टू रीड अलग से डिवाइसेस होती हैं। जो सुपर ड्राइव है आमतौर पर ये लैपटॉप में मौजूद होती है डेटा को रीड या राइट करने के लिए ऑन सी एंड डीवीडी टाइप्स ऑफ डीवीडी डीवीडी R DVD recordable stands for digital video disc recordable. User can write data on the DVD R only once, but can be read. It can read it many times. DVD R also known as worm. Write once, read many. DVD RW rewritable. RW means rewritable. Stands for compact disc rewritable. It is. also known as erasable dvd the user can write data on the dvd rw many times by erasing the existing data user dvd rw ke upar bar bar data ko write kar sakta hai aur purane data ko delete bhi kar sakta hai blu ray disc blu ray disc क्या होती है? it is a new and the most expensive format of dvd ये डीवीडी की सबसे महंगी और सबसे लेटेस्ट जो है वो किस्म है ये हंड्रेड जी तक डाटा को स्टोर कर सकता है इसकी जो क्वालिटी है नॉर्मल डीवीडी से बहुत बेहतर होती है आमतौर पर ये जो मूवीज वगैरह होती हैं उनको स्टोर करने के लिए ग्राफिकल डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है या बैकअप्स वगैरह लेने के लिए भी स्टोरेज इस्तेमाल होती हैं उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा आपने इस लेक्चर को आराम से बार बार सुनना है और बुक से भी रीड करना है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़